प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग। क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो? नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी। देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा रहा है। नहीं, बल्कि ये तो मुझे मुझे बहुत सांत्वना देता है। डेजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूं 2 हफ्ते की छुट्टी ले लूं। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो? ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया। नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह के दुखद यादें तंग करेगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा? मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए। डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना। प्यारा प्यारा सा दुलारा सा नन्ना मुन्ना। देसी, छोड़ दीजिए ना। अरे अरे सुनो तो। नहीं सुनती। ओफो, अरे बात तो सुनो। बेनी, देखो देखो तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं। ओ डेजी, डेजी माय लव। डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या? ईश्वर की कृपा हुई तो। सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा। क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं? अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा। डेजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों? नहीं कुछ नहीं। अब चलो सिनेमा चले। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मन बहुत अशांत। अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूँ। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो। ये साड़ी, डेजी व्हाट इज दिस, क्या है? बेनी की प्रेजेंट की साड़ी। ओह डेजी माय गॉड। उस दिन मैं सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह 1 साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद
परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया। कैसे? शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है। कौन कहता है? मुझे ऐसा लगता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा, तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी? भाई उसे दवा दी जा रही है। लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है। इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है। आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में नहीं। जोर से मत बोलिए। 2 दिन से वो दवा दी जा रही है लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया। तो क्या करूँ मैं, आराम इंजेक्ट किया जाए? क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो। तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप। अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी। इच्छा नहीं है एग्जामिन करने की या बच्चे की? कुछ भी मतलब निकाल लो। अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार। अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है। दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं ढो सकता। दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूँ। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा। मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता। लेकिन मैं मां हूँ, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती। जब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास। भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप। रेडीमेड हंसी? अरे भाई हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्योंडे जी? जी हाँ भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं। चलिए कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने। अरे भाई वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है। ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा है? ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे। एक साथ घूमने लगेंगे? हाँ? आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे। अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है? सो रहा है? वो तो बहुत बीमार है। 2-3 दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है। अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर? चलिए एक बार मैं भी देख लूं। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है? Well, but that doesn't matter, doctor. Slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे। अच्छा मैं चलता हूँ। भाई कुछ जरूरी काम है, चलो डेजी। ओके अच्छा बाय डॉक्टर, बाय। ये अभिनय और कितने दिन चलेगा? जब तक जरूरी होगा। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों? अपने लिए। लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये। होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी। मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं? तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी? आपसे कहा था जरा बच्चे की जाँच कर लो। जाँच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा। ये क्यों नहीं कहते कि आप जाँच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है। डेजी, तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते। डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है? बंद भी करो ये सब। बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप। तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था। बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया? मैं घसीट लाया? ये कहो बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है। और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी। क्या मैंने कोई गलत बात की थी?
इसमें बिगड़ने की क्या बात है? तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ? क्या सवाल कर रहे हो तुम? अपने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी? तुम्हें क्या हो गया है? तुम उससे ज्यादा बेनी के फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी। मिल गया संतोष, बेनी मुझे क्षमा करना, बेनी मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है? डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है? अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर आपको मेरी एक शंका दूर करनी है। कैसी शंका? मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर? ओह डेजी, तुम्हारे सवाल बड़ा विचित्र है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर? नहीं। हाँ, मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है। लॉरेंस को? नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता। तब ये हुआ कैसे डॉक्टर? डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए। आप ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर? लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो क्या हुआ? बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे। क्या? हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे। क्या? लेकिन वास्तव में बात डॉक्टर, डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए। बोलो। प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए। मैं? डॉक्टर मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर। नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है, बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है, मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी। प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज। डेजी नहीं, डेजी ये ठीक नहीं है, प्लीज डॉक्टर। अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ। डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी,
और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले, ये बेनी का प्रेत है। बेनी का प्रेत? हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा, तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई। डॉक्टर लॉरेंस? ओ, डॉक्टर रामदास। उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था, उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी। बैठ जाइए लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना जी, शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा न ले, आपने मेरा प्रेस्क्रिप्शन फाड़ दिया था। नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था। और मैं आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। समझा नहीं? कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस। What do you mean, डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं? बेनी को आपने ही तो मारा था ना डॉक्टर। कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम? नहीं नहीं, पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी। स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर। नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ। डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या 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 आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला? नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझ कर किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था। डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी। नो, इट वाज नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर। डॉक्टर, नो, नो डॉक्टर। तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की। नो नो नो, क्यों डॉक्टर? सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाँप क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस? ये सब अक्षर अक्षर सच है ना? डॉक्टर, डॉक्टर लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना? सच है, सच है डॉक्टर। लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई। बेचारा बेनी। मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ। डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा। नहीं कहूंगा। हाँ? क्यों नहीं कहूंगा? थैंक यू डॉक्टर। क्योंकि ना कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर लॉरेंस, मैं अब चलता हूं। हाँ?
मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई? तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी। डेजी डेजी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे इतनी सी देर में क्या हो गया? वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी। लॉरेंस, तुम अचानक, मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी। मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया। हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी। मैं भी तुम्हें, डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ, डेजी सब भूल जाओ। भुला दूंगी, हमेशा के लिए भुला दूंगी। वो डेजी, मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है। हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, उसको फ्रेम करवा के हम यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना? हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब, डेजी तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना? ये क्या कर रही हो तुम डेजी? मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना? डेजी, तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ली। नहीं नहीं नहीं, डेजी सुनो तो। सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह सकते। डेजी ये सच नहीं है, मैं कहता हूँ डेजी। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है। ओह माय गॉड, मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी। ओह नो, मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ। विदा? मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ था। डेजी, डेजी, मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना। अरे ये आपको क्या हुआ है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? डेजी, ये मेरी नजर टूट रही है। डेजी डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। डेजी नहीं लॉरेंस, नहीं नहीं लॉरेंस, विश्वास करो मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ओह नो, ये क्या हो गया? ये
केक वाली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, 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 ये कैसे हो गया? करो, करो बेटा, करो बेटा, करो बेटा, करो बेटा। मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई, डॉक्टर आए, लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे? एक छोटी सी बात। क्या? यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।